हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस अकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से लेकर, MPPSC न्यू अपडेट्स को लेकर सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। अब न्यूज आ रही है कि फिर से होगा सिलेबस में बदलाव। आप लोग समझ सकते हैं इस बार क्या नया होने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है, सभी लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। कल ही बहुत ही मीटिंग हुई है, उसी में यह निकल के आ रहा है कि MPPSC का जो है सिलेबस फिर से चेंज किया जाएगा। आइए जानते हैं पूरी न्यूज़ क्या है। उससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ आती है MP एग्जाम से रिलेटेड, MP भर्तियों से रिलेटेड या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से रिलेटेड, तो सबसे पहले आप लोग को इस चैनल पर अपडेट कर दिया जाता है। ठीक है, इस न्यूज़ को सुनने के बाद आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सीधे सीधे लिखा गया है कि परीक्षा प्रणाली और सिलेबस में बदलाव करेगी PAC। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। आप लोग बता दो, लखनऊ में हुई बैठक में MPPSC चेयरमैन भी हुए शामिल। MPPSC के चेयरमैन कौन है? राजेश लाल मेहरा, वो शामिल हुए। लखनऊ में कैसी बैठक हुई है आइए जान लेते हैं। आप लोग बता दो, MPPSC सहित देश भर के लोक सेवा आयोग, जितने भी देश भर में लोक सेवा आयोग हैं, परीक्षा प्रणाली व सिलेबस में सकारात्मक बदलाव करेंगे। पूरे देश में जितने भी PSC हैं वो सभी चाहते हैं कि जो सिलेबस में बदलाव किया जाए और सकारात्मक प्रणाली में बदलाव लाया जाए। सीधे सीधे बोला गया, चलिए इसको एक बार आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ। MPPSC देश सहित देश भर में लोक सेवा आयोग की परीक्षा प्रणाली व सिलेबस में सकारात्मक बदलाव करेंगे। इस संबंध में लखनऊ में हुई बैठक MPPSC चेयरमैन प्रोफेसर राजेश लाल मेहरा ने भी सुझाव दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के निर्देश पर हुई कॉन्फ्रेंस को UPPCS ने आयोजित किया। किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ये UPPCS के द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें देश भर के आयोग के अध्यक्ष जो है शामिल हुए थे। किसमें? इसमें देश भर के आयोग के अध्यक्ष शामिल हुए थे। इसमें PSC के परीक्षाओं को एरर फ्री, पारदर्शी, नए दौर के मुताबिक बनाने पर चर्चा की है। कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी। इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया था। सम्मेलन को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि MPPSC में 50 मार्च से राज्य सेवा की नियुक्तियां अटकी हुई हैं और 27 अप्रैल से 2020 की राज्य सेवा परीक्षा के इंटरव्यू होंगे। अगले 3-4 माह में 2019 की परीक्षा के इंटरव्यू होंगे। संभावतः ये भी है कि साल अंत में 2021 के परीक्षा के इंटरव्यू हो जाएं। ऐसे में PSC आगे होने वाले प्री और मुख्य परीक्षाओं का आयोजन मूल्यांकन पद्धति में भी बदलाव कर सकता है। इंदौर में भी देश भर के विशेषज्ञों की मौजूदगी में PSC ने पेपर सेटिंग आदि मुद्दों पर भी चर्चा की थी। आप लोग बता दो, यहाँ में भी एक ऑफिशियल मीटिंग बुलाई गई थी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में, इंदौर में भी आदि मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। तब चर्चा में आए बिंदुओं पर PAC अमल भी लागू कर चुका है। अब देखो, अभी न्यूज़ नहीं आई क्या क्या बदलाव किए जाएंगे, कैसे बदलाव किए जाएंगे, लेकिन अभी इस साल ऐसे न्यूज़ आ रही है, इस साल 2021 तक जो आप लोग का प्री मेंस होने वाला है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। लेकिन जो आने वाले अगले साल 2022 या 23 का प्री है उसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, सब में आप लोग सिलेबस में बदलाव किया जा सकता है। और इसमें जो पॉइंट इसमें ऑफिशियल जो मीटिंग हुई है उसमें नोट डाउन किए गए हैं, उसमें अमल भी कर चुका, यानी उसको मान भी लिया गया कि हाँ बदलाव किए जाएंगे। अब जो भी ऑफिशियल नोटिस होगी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आती रहेंगी उस पर मैं अपडेटेड वीडियो लाता रहूँगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, आप लोग जी जान लगा लीजिए, क्योंकि अब सिलेबस बदलेगा तो बहुत कुछ बदलाव होगा। और क्योंकि UPSC लेवल पर सब करना चाहते हैं, नए पैटर्न पर लाना चाहते हैं, जो नए युग का दौर है उस युग पर सभी जितने भी मध्य लोक सेवा आयोग हैं, चाहे UPPCS, CGPCS, जितने भी अदर PCS हैं पूरे राज्य के, तो वो भी अब अपने पूरे पैटर्न में बदलाव लाना चाहते हैं। तो इस बात ज़रूर ध्यान रखें, जो जान लगा दें जो भी हो आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।